दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने ट्रिक नंबर थर्ड तक कर लिए थे, ठीक ना। ट्रिक नंबर थर्ड करने के बाद बताया था कि ट्रिक नंबर फोर भी पढ़ना है। तो ट्रिक नंबर फोर क्या है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए आज का जो ट्रिक नंबर फोर है वो है, किसी समूह के एक व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन एम है और उसमें से एम व्यक्ति के जाने से औसत के से घट जाता है, तो व्यक्ति की कुल आय बराबर क्या होगी? तो एम इंटू एन प्लस इंटू सॉरी एम इंटू एन प्लस इंटू ए माइनस एन इंटू के, ये हमारा क्या है, ट्रिक है, ठीक ना। ये क्या है हमारा ट्रिक नंबर फोर। फिर से एक बार समझाते हैं कि किसी समूह के ए व्यक्ति का औसत उम्र, वजन, वेतन एम है और उसमें एम व्यक्ति के जाने से औसत के से घट जाता है, तो व्यक्ति की कुल आय क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे पिछले वाले जो हमारा ट्रिक नंबर थर्ड था उसमें बस से अंतर यही है उसमें और इसमें से, किसी समूह के ए व्यक्ति के औसत उम्र, वेतन एम है और उसमें से एम व्यक्ति के यहाँ पे जाने से है, वहाँ पे था क्या, शामिल होने से, मतलब उस ग्रुप में शामिल होने से, उसके बाद हमारा कैसे घट जाता है। तो कैसे यहाँ पे घटना रहता है, यहाँ पे क्या होता है, कैसे बढ़ जाता था ट्रिक नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर ट्रिक नंबर थर्ड के अनुसार यहाँ पे हमारा रहता है एम इंटू एन प्लस ए प्लस एन इंटू के, बस हमारा इतना ही अंतर है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस था। तो इस ट्रिक से अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए मेरे पास किसी समूह में 50 व्यक्ति का औसत उम्र 45 वर्ष, ठीक ना, कितना है 45 वर्ष उम्र है, 50 व्यक्ति का औसत उम्र कितना है 45 वर्ष। फिर कहता है कि उसमें एन व्यक्ति के आ जाने से, तो 50 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 50, एकदम लिख लेना है, ठीक ना। 45 वर्ष हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम हो गया, कितना हो गया 45 वर्ष। उसके बाद कहता है कि मतलब मान लीजिए 5 व्यक्ति के और आ जाने से, 5 व्यक्ति शामिल करेंगे कितना हो जाएगा 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। फिर हमारा जो औसत उम्र क्या होता है बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, नया औसत ये हमारा निकल गया, नया व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई हमारा 5 व्यक्ति आने से, तो हमारा एन कितना हो गया हमारा 5, ठीक ना, एन हमारा कितना हो गया 5। और हमारा जो ये जो के होगा, के कितना हो गया, के बराबर 50 माइनस 45 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए अब ट्रिक पर बना के देखेंगे, उसके बाद इसका जो मेन रूप, जो प्रारूप, मतलब जो हमारा जिस तरह से सिंपल वे से बनाते हैं उससे फिर बनाएंगे। तो ट्रिक पर से, तो एम 50 व्यक्ति क्या है, मतलब 50 व्यक्ति का एक समूह है जिसका जो औसत उम्र कितना दिया गया है 50 वर्ष, उसके बाद 5 व्यक्ति उसमें और शामिल हो जाते हैं, ये हमारा जो इस ट्रिक पे नहीं है, ठीक ना। ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन जो था प्लस वाला पे, उस पे था ट्रिक नंबर थर्ड पे, उसके बाद तब फिर हम आएंगे इस ट्रिक पे, पहले उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बना करके। तो हमारा जो फॉर्मूला मतलब ट्रिक है एम इंटू एन प्लस ए प्लस एन इंटू के, इसको यहाँ पर रहने दीजिए माइनस, ठीक ना। अब इस पे बनाने का प्रयास करेंगे, पहले हम लोग दोहरा लेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एम हमें कितना दिया गया है 45 वर्ष, इंटू एन हमें कितना दिया गया है, एन हमें 5 वर्ष दिया गया है, प्लस ए हमें कितना दिया गया है 50 माइनस प्लस, और एन हमें कितना दिया गया है 5, घटाइए इसको, के हमें कितना दिया गया है 5, एन हमें 5 के हमें 5, चलिए 45 पंचे कीजिए कितना हो, 25 के 5 बाकी रहा 2 4 5 20 2 22 कितना हो गया हमारा 225 प्लस 55, 55 गुना 5 कीजिए कितना हो गया हमारा 225 प्लस 25 के 5 बाकी रहा 2 5 25 2 27 हमारा कितना हो गया 5 5 10 7 2 9 1 10 2 4 1 5 मतलब 500, ठीक ना। ये हमारा 500 वर्ष निकल गया, ये हमारा क्या है आंसर है। ये कितने व्यक्ति का निकल गया उम्र, ये हमारा 5 व्यक्ति का उम्र जो साइड में था ना, कि कितने कैसे मतलब बढ़ जाता है, कुल व्यक्ति की क्या निकालना है, उम्र निकालना था, कितना हो गया 500 वर्ष, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, अब इस पे इसके आधार पर जो ट्रिक दिया गया इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग जो ट्रिक देखे थे उस ट्रिक पे अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। देखिए हमारा जो ट्रिक है, जो ट्रिक था हमारा, उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़िए, इसका सोल्यूशन
पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना, ठीक ना। कहता है 14 लड़की तथा उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि आपसे बन सकता है क्वेश्चन, ट्रिक बता दिए हैं, यदि क्वेश्चन बन सकता है तो आप बना के कमेंट में आंसर दीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे उसको भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो 14 लड़की तथा उनकी अध्यापिका की औसत कितना है, औसत आयु 15 वर्ष है। पहले हम सिंपल मेथड से बनाएंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट जानते हैं कि दो मेथड से हम लोग कोई भी सवाल को बना सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा है, बहुत सारा मेथड है लेकिन पहला मेथड हमारा है 14 लड़की तथा उनकी अध्यापिका की औसत आयु कितना है। 14 लड़की प्लस उनकी अध्यापिका की औसत आयु, आप लोग पूरा ये डिटेल से लिखिएगा लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक ना। 14 प्लस एक कितना हो गया 15, 15 गुना कितना करेंगे 15, कितना हो जाएगा हमारा 225। ये हमारा कितना है लड़की तथा अध्यापिका की औसत आयु इतना हमें निकल गया, कितना निकल गया 225 वर्ष। उसके बाद पढ़िए आगे क्वेश्चन, यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु एक वर्ष कम हो जाता है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल जाए कितना हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा तो हमारा एक वर्ष कम हो जाता है। क्या करेंगे 14 गुना 14 करेंगे, कितना हो गया 196 हो गया हमारा। तो उसके बाद कम होता था अध्यापिका की आयु क्या होगी, अध्यापिका की आयु यहाँ से निकालिए, आयु कितना हो गया घटाइए इसको माइनस कीजिए 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना बचा है 1, 1 में से मतलब 11, 11 में से 2 गया 9, मतलब कितना हो गया 29 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो गया अध्यापिका की आयु निकल गया। ये हमारा था सिंपल मेथड मीन्स फर्स्ट मेथड, ठीक रहे। यदि इस मेथड से समझ में आ गया है आपको क्वेश्चन या आंसर आपका निकल रहा है तो आप क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। अगर जो हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो वो क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेथड अब टू की ओर चलते हैं हम लोग। तो मेथड टू हमारा है ट्रिक वाला मेथड था, ट्रिक निकालना, ट्रिक बोले लिखे तो क्या है हमारा ट्रिक है m इंटू एन प्लस ए माइनस एन इंटू के, ये हमारा ट्रिक है ना, ट्रिक ही है हमारा। चलिए अब ट्रिक पर बैठाइए। तो बताए थे कि m हमारा क्या है औसत उम्र, औसत उम्र कितना दिया गया है 15 वर्ष गुना एम इंस क्या था सामी या जाने वाली व्यक्ति कौन था, कितना चला गया एक गया अध्यापिका गई प्लस उसके बाद ए हमारा क्या है जो जितना हमारा टोटल था, कितना था हमारा टोटल 15, 15 था ना, अध्यापिका प्लस लड़की मिला कितना था 15, फिर माइनस कितना करना है कौन गया एक अध्यापिका चली गई, के हमारा कितना है देखो यहाँ पे के हमारा आयु एक वर्ष। बताए थे कि औसत वर्ष में हमें मतलब पुराना औसत और नया औसत क्या करें घटा देंगे, तो नया औसत मेरा कितना था एक वर्ष कम हो जाता तो 14 हो गया था और हमारा पुराना वर्ष कितना था 15, यहाँ पे एक का अंतर है तो एक यहाँ पे कर दीजिए। तो अब यहाँ पे कीजिए तो 15 प्लस 15 में से एक गया कितना हो गया 14, तो 5, 4, 9, 1, 1, 2 29 वर्ष हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या निकल गया अध्यापिका की आयु निकल गया। ये क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद दो मेथड से बनाए फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखिए फटाफट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड फर्स्ट देखें जो सिंपल मेथड है हमारा, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग बना करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ताकि एक सवाल बन गया आपका दूसरा सवाल आसानी से बन सकता है। यदि बनेगा तो जल्दी से बना के कमेंट में आंसर दीजिए। तो किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे, कितने ऑफिसर थे फैक्ट्री में 12 ऑफिसर, आप लोग लैंग्वेज खुद से लिखिएगा हम सिर्फ यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे जिनकी औसत वेतन कितना था 6050 रुपया। इसका औसत वेतन कितना था 12 व्यक्ति का 6050 रुपया, ये हमारा था। तो इसका औसत औसत पहले निकाल दीजिए 605 गुना कीजिए 12 से, तो 5 × 10 = 1 × 6 = 12, ठीक है 5 × 0 = 6 × 6 = 0 × 5 = 2 = 1 = 7 कितना हो गया 72 60। 72 60 हमारा क्या निकल गया 12 व्यक्तियों का औसत वेतन निकल गया। फिर से एक बार देख लीजिए तो 5 × 10 × 6 = 12, ठीक है फिर हमारा 5 × 0 = 6 × 0 = 5 = 2 = 6 = 7, ठीक है इतना हमारा आ गया यहाँ पे। फिर देखिए आगे क्या कहता है कि एक ऑफिसर के सेना सेवा निवृत्त मतलब रिटायर हो जाने से शेष ऑफिसर का औसत वेतन 5600 रुपया हो जाता है। मतलब एक ऑफिसर उसमें से 12 ऑफिसर में से एक ऑफिसर क्या होते हैं रिटायर हो जाते हैं, तब वेतन कितना हो जाता है 11 लोगों का 5600 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 11
लोगों का कितना हो गया 5600 गुना 11 के लिए, ठीक ना। 00 ग्यारह सात तक छः बाकी रहा, 611 बजे 55 61 55 61 ठीक है। ये हमारा गया 600 मतलब 61600। यहाँ पे हमारा 10 छूट गया था 72600, ये 0 छूट गया, ठीक ना। ये हमारा गया 72600। इसलिए अब माइनस करके देखिए पता ऑफिसर का वेतन कितना होगा, तो वेतन बराबर लिखिए यहाँ पे किसका वेतन, तो ऑफिसर का आप लोग लिख लीजिएगा। तो ऑफिसर का वेतन माइनस कीजिए 00, 6 में से 6 गया 0 और 12 में से 1, हाँ 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ कितना बच गया 7 में 6 गया 11000 रुपया। फिर से बार बढ़िया माइनस कीजिए 72600, फिर हमारा 61600, तो 0000 मतलब 11000 हमारा क्या हो गया आंसर आया। ये था हमारा उस व्यक्ति का जो ऑफिसर रिटायर किया उसका वेतन था कितना 11000 रुपया। चलिए अब ट्रिक के मेथड से चलते हैं, ट्रिक का मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड देखिए आप लोग, सेकंड मेथड यदि आपसे बनना था तो फटाफट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बनना था तो एम इन टू एन प्लस, अब देखिए ट्रिक यहाँ हमारा था ए माइनस एन करना था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो व्यक्ति जा रहा है ना, घट रहा है, और वहाँ पे क्या आ रहा था शामिल हो रहा था, क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे घट रहा था क्या किए माइनस किए, इंटू के जानते हैं कि औसत का जो हमारा माइनस वो लिखना है। तो एम हमें क्या दिया गया है, किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर डाले थे जिसका औसत वेतन कितना दिया गया है 6050 रुपया, इंटू एक ऑफिसर के चले जाने से एक प्लस ए, एक क्या था हमारा 12 ऑफिसर टोटल, 12 माइनस एक करेंगे क्या के कितना हो गया, मतलब एक शेष ऑफिसर का ऑफिसर वेतन इतना हो गया। तो अपने पहले हम के निकालेंगे, के निकालने के लिए क्या करेंगे 6050 में कितना कटाएंगे 5700 रुपये, 0.5 + 6 = 4, मतलब कितना आ गया 450 रुपया। तो चलिए अब यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई कीजिए, 5 कितना आ गया हमारा प्लस 11 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा 50, चलिए 6050 प्लस, अब इसको गुना कीजिए तो 0.1155 करेंगे कितना होगा 44 और 44 5 49। अब जुड़िए इसको 0.55 5 + 5 कितना हो गया 0, फिर हमारा 9 है हमारा, उसके बाद फिर 1, फिर हमारा 0.5 + 0 = 9 1 - 0 बाकी रहा है 6000 + 11, ये हमारा हो गया आंसर। तो 11000 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने दो ट्रिक हम लोगों ने बहुत अच्छा तरह से मतलब समझ लिया, जो इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग यहाँ पर सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था आयु के निकल जाएगा आपका, दूसरा हमारा यहाँ से वेतन से निकल जाएगा, तीसरा हमारा वजन से निकल जाएगा। ये दो ट्रिक को याद रखेंगे उसका, ये तीनों क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो एक सवाल लिखिए, सवाल लिखाते हैं तो सवाल तीसरा नंबर है, 21 वर्ष के एक समूह की औसत उम्र 10 वर्ष है। फिर से समझिए, 21 वर्ष के एक समूह की औसत उम्र, इक्कीस व्यक्ति के एक समूह की औसत उम्र 10 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर समूह की औसत उम्र 18 वर्ष हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपको बना करके कमेंट में देना है, ठीक ना। और उसके बाद यदि आपको दोनों सवाल और ट्रिक समझ में बहुत अच्छी तरह से आए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कम से कम आप लोग 20 लोगों को शेयर कीजिए। और जो भी छात्र और बहुत सारे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर हमें नीचे दिया हुआ रहता है 6205878510 पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना था, आपको वहाँ पर से ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, और हम लोग आगे और भी बहुत सारा ट्रिक अभी 5-6 ट्रिक और करेंगे औसत पे, और क्या करेंगे सवाल को बहुत सारा करेंगे। तो एक वीडियो हमारा, दो वीडियो हमारा लाइव होगा, इसमें कि सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बताया जाएगा नवोदय विद्यालय गाइड का, और भी जितने भी जो हमारे बुक हैं उससे क्वेश्चन निकाल करके आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे मतलब लाइव के द्वारा कराया जाएगा। 2-3 मतलब एक लाइव में 20-30 क्वेश्चन, तो दूसरा लाइव में और 20-30 क्वेश्चन, मतलब करीब करीब 60 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम खुद बना ले देंगे और आपको बनाना है। तो चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।